सामने देखो पहाड़, और देखो वो पहाड़ पे बादल दिख रहा है। देख रहा है विनोद कैसे अच्छे मौसम का फायदा उठाया जाता है। His bike has stopped when I am pressing self button. अरे ठीक है, अरे नहीं नहीं सर, अरे नहीं नहीं नॉट रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड। अरे जो हल्की हल्की बारिश है ना, अब ये थोड़ा थोड़ा मेहनत बढ़ा रहा है। ऑल्टो वाले भैया जी एकदम डिवाइडर में घुसने वाले थे अभी। हमारा जो राइड था वो सनसेट के टाइम पर शुरू हुआ था और सनराइज के टाइम पर खत्म। चलो भैया हो गया अपना बैग सारा पैक, अब निकलने की बारी। यू विल कम अलोंग विद मी? चलो ठीक है, ओके। फाइनली अपना राइड हो गया है शुरू, और वो सामने स्कूटी पे मनोज जा रहा है मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए। बाकी यार बहुत जल्दी जल्दी पैकिंग किया हूँ मैं, बहुत जल्दी जल्दी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो आपको मालूम होगा मैं आज सुबह ही गया था विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। मैं ये सोच के गया था कि मेरे को मुश्किल से लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा फिर आ जाएंगे वापस। भाई वहाँ लग गए 4-5 घंटे। 12 बजे का चेकआउट टाइम था, मेरा चेकआउट हुआ 4 बजे। जाते जाते मैंने अपने होटल में रिसेप्शन में ये बोल दिया था कि ठीक है हो सकता है मेरा चेकआउट 1 बजे होगा, 12 बजे नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई 1 बजे। हाँ स्ट्रेट, हाँ 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 अच्छा लेफ्ट, हाँ हाँ नो नो चलो बाय। चलो अब अपन चलते हैं यहाँ से आगे। ओहो क्या मौसम हो गया यार सही में। मालूम मैं थोड़ी देर पहले डर रहा था कि यार बारिश हो रही है बड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो खैर अभी भी होने का चांस है, बारिश का क्या है, बारिश तो कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन नहीं, बारिश हो के चला गया और बादल बादल है तो मज़ा आ रहा है यार। वैसे तो सच बताऊँ तो ये कोई टाइम नहीं है निकलने का ऐसी राइड पर ठीक है यार। अगर मैं वहाँ रुका रहता एक दिन तो एक दिन और मेरा थोड़ा वेस्ट सॉर्ट ऑफ तो हो ही जाता, साथ ही साथ यार एक दिन और का पैसा देना पड़ता ना, समझ रहे हो। इससे अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे शहर में रुक जाते हैं, एटलीस्ट अगले दिन थोड़ा कम राइड करना पड़ेगा है ना। तो देखो आज का जो टोटल डिस्टेंस है हमारा वो है 653 किलोमीटर, ठीक है, जिसको कवर करने में गूगल के अकॉर्डिंग लगेंगे 11 घंटे। यार सही बता रहा हूँ, अभी नागरकोइल मेरे को ना बिल्कुल एक हिल स्टेशन वाला फील दे रहा है। मतलब मौसम में हल्की सी ठंडक है, आसपास पहाड़ एकदम मस्त दिख रहे हैं बादल से ढके हुए। ये देखो मैं बोल रहा था ना एकदम हिल स्टेशन वाला फील दे रहा है। सामने देखो पहाड़, और देखो वो पहाड़ पे बादल दिख रहा है। अरे एकदम अभी क्या फील आ रहा है, मतलब सुबह सुबह गर्मी ह्यूमिडिटी हो रही थी सब जा चुका है, अभी एकदम प्रॉपर हिल स्टेशन वाला फील है अभी यहाँ पर। और ये अपन पहुँच गए NH 44 में। अब बस ये हाईवे पकड़ के अपने को सीधा 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 एकदम ही सीधा सीधा बैंगलोर पहुंच जाना है बस। और यार यहाँ क्या मस्त लग रहा है, अभी हल्की हल्की बूंदें शुरू हो गई है और चारों तरफ विंड मिल ही विंड मिल है। जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ आपको एक विंड मिल दिखेगा, एक बहुत सारा दिखेगा। किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ कहाँ जाऊँ, चलो ये काम बढ़िया हो गया। 9.5 लीटर पेट्रोल आया है, देखते हैं अब अगला कब तक फुल टैंक कराना होता है। अब मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ ये जो साइड में सर्विस रोड चल रहा है ना, मतलब इस तरफ और ये वाले के उस तरफ, वहाँ फ़ोटो शूट हो रहे हैं बहुत सारे। फ़ोटो शूट इन द सेंस जैसे दोस्त यार निकल गए कैमरा वैमरा ले कर मस्त एकदम फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अच्छे मौसम का बढ़िया फ़ायदा उठाया जा रहा है, मस्त तैयार हो के निकले कुछ लोग। अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा साइड वाले सर्विस रोड पर मस्त कार पे नीचे सामने बैठ कर फोटो चल रहा था, फोटो शूट चल रहा था। थोड़ी देर पहले पल्सर में एक भाई साहब रील बना रहे थे। देख रहा है विनोद कैसे अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाया जाता है। अभी 6:10 हो रहा है, हमने 104 किलोमीटर कवर कर लिया।
6 बज गया, मतलब अब समझ लो बस 1 घंटे की रोशनी रह गई है, फिर तो अपने को रातों रात चलाना है गाड़ी, मजा आएगा मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? तमिल नहीं आता है? तमिल नहीं आता? नो नो, हाँ प्रॉब्लम, क्या नहीं क्या प्रॉब्लम है मतलब? आई डोंट नो सर, आई एम नॉट मैकेनिक। इवन मेरे को ही पता नहीं, देखते हैं चलिए देखते हैं। इवन आई डोंट नो आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। क्या हो गया है? अरे मनोज, आर यू फ्री फॉर 5 to 10 minutes? हाँ, अरे आई मेट समवन इन हाईवे, हिज बाइक हैज स्टॉप्ड, व्हेन आई एम प्रेसिंग सेल्फ बटन इट इज मेकिंग सम क्रैंकिंग साउंड, नॉट इवन क्रैंकिंग, इट फील्स लाइक सम मेटल इज मूविंग समवेयर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो पहले टो ही करके देखते हैं यार, लेट्स ट्राई टू टो इट फर्स्ट। लद्दाख वाला तरीका लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स जस्ट होप ये काम कर जाए। इधर आ जाओ इस साइड, हाँ इधर, हाँ बस। जय बजरंगबली। चलो खिंचा तो रहा है बाइक, जहाँ तक खिंचाता है, जब तक थोड़ा गांव वाँव नहीं मिल जाता तब तक के ले खींच के ले चलते हैं। कोई गांव दिख जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। सस्पेंशन में इसलिए बांधा क्योंकि भाई मेरे को पता है वहाँ से वो खुलेगा नहीं, और सस्पेंशन ऐसा कोई चीज़ नहीं जो टूट के या बेंड होके वो निकल जाए स्ट्रैप वहाँ से। अरे 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 अरे, कुछ ज़्यादा ही इस तरफ जा रहा है यार। चलते रहे बाबा, चलते रहे, वो कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट जा रहा है यार ये तो। डर ये लग रहा है साला, पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये लोग ना अंधे टाइप चलाते मत आए। हाँ यार 33 की स्पीड में अपन चल ले रहे हैं, ठीक है अच्छा ही है, उसे बुरा क्या है इसमें। ये गैराज नहीं है क्या आसपास? ये बाइक रिपेयर वाला कोई दिख भी नहीं रहा है यार। अच्छा ये कोविल पट्टी तो यहाँ लिखा हुआ है, पहुंच गए क्या कोविल पट्टी अपन? तो ये लोग क्या क्या बात कर रहे हैं ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा अपने तरफ से कुछ बोल भी नहीं सकते। कहाँ मतलब हाउ लॉन्ग? जस्ट ओवर 15 किलोमीटर। या यू नो प्रॉब्लम, कुछ फास्ट किलोमीटर, ये फास्ट रहने। चलो जय बजरंग बली। हाँ पता नहीं भाई साहब क्या बात करके आए इतना देर टोल गेट में, फिर बोले थोड़ी देर और खींच सकते हैं क्या? मैंने कितना? तो बोले 15 किलोमीटर। हाँ बोला चलो अभी तक खींच ही रहे थे और खींच लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कौन है जो दो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं इतनी स्लो? इस तरफ कैसे आ गया, इधर कैसे जा रहा है? How far is Kovil Patti from here? Kovil Patti 21 किलोमीटर। नहीं, लेट हो जाएगा। अरे नहीं, मेरे को लेट हो जाएगा, मेरे को बहुत दूर जाना है। आई हैव टू गो वेरी फार, इट विल बी वेरी लेट। चलो विल गो। जय बजरंग बली, रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। 21 किलोमीटर दूर है कोविल पट्टी, जिसको बोल रहा है कि 22 मिनट लगेगा। गूगल मैप को क्या मालूम, मैं तो 20 की स्पीड में जा रहा हूँ। चलता रहे। अब आचे RTR 200 को तो टोइंग वैन बना देना चाहिए।
अभी मेरे को दिखा एक बोर्ड, कोविल पट्टी 13 किलोमीटर, इतना अच्छा लगा देख के। कहाँ 21 किलोमीटर था, अभी 13 किलोमीटर हो गया। धीरे 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 प्रगति हो रही है, कार्य प्रगति पर है। थोड़ा सा राइट वाला रिस्ट दर्द देने लगा, उसी तरफ लोड ज़्यादा आ रहा है लगता है। वाह 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 वाह, बोर्ड दिख गया, कोविल पट्टी लिखा हुआ दिख रहा है उसे मेरे को। क्या बात है, क्या बात है, पहुंच गए यार, पहुंच गए, पहुंच गए। नहीं नहीं, आई हैव टू रीच बैंगलोर, इट विल बी लेट। अरे ठीक है, अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, आई लीव, आई लीव। चलो भाई साहब, कोविल पट्टी हो गया पार, भाई साहब पहुंच गए अपने घर। मतलब यहाँ से वो ऐसा कह रहे थे कि यहाँ से उनका घर कुछ 3-4 किलोमीटर है, तो वो अपना बाइक ढकेलते निकल लिए। अपन भी निकलते हैं आगे, कहीं रुकते हैं यार, चाय पीने का मन हो रहा है मेरा। कितना 7:45 हो रहा है ना, कितना बाकी है, 517 किलोमीटर बाकी। तो 517 को 500 कर लेते हैं, चलो। अभी 8:15 के आसपास हो रहा है, हमने अभी यहाँ से 498 कुछ किलोमीटर शायद बाकी होगा। और तो मैं ऐसा सोच रहा था कि यार कहीं चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो मैं सोच रहा था कहीं पे चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो ये होटल दिखाई दिया। मैं सोच रहा हूँ यार 8:30 के आसपास तो टाइम हो ही गया है, तो क्यों ना खाना खा ले, यहाँ मिल तो रहा है ये खाना। देखते हैं, चाय पीते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। अभी एक प्लेट वेज परोठा ऑर्डर किया है, वो खाते हैं भाई, बहुत भूख लग रहा है। चलो भाई, हो गया, मस्त पेट भर के खा लिए, अब बढ़ते हैं आगे। अभी बहुत सारा काम किया मैं, हेलमेट वाले गोप्रो का बैटरी बदल लिया, ठीक है, वो तीसरा बैटरी लग गया तो बाकी दोनों बैटरी को चार्ज में लगा दिया। अपने हेलमेट का वाइजर साफ कर लिया, उसके बाद अपना रेन पैंट उतार दिया, और ये दोनों का भी कवर को हटा ही दिया। एक ब्रेक लो, खूब सारा काम करो। अब तो मैं पक्का बैंगलोर 5 बजे से पहले तो मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, हेलो 9 तो अभी बज गया। अच्छा वैसे जहाँ मैं खाना खा रहा था बैठ के, अभी उस जगह का नाम है सत्तूर, सत्तूर सातूर, पता नहीं सातूर ऐसे कुछ बोल रहे थे, स्पेलिंग एस ए टी टी यू आर। मैंने अभी अपना फ़ोन भी नहीं लगाया, क्योंकि अभी क्या NH 44 में ही चलाते चलाते सीधा सीधा जाना है, कहीं मुड़ना वगैरह है नहीं, तो फोन लगा के फालतू में बार बार कितना बजा है, कितना बजा है, वो नहीं देखता रहता मैं। भाई अभी कसम से ना बहुत ही जोर से बिजली चमकी है, आवाज तो नहीं आया लेकिन मुझे एकदम बहुत सारा सा बिजली दिखता है ना आसमान में, वैसा दिखाई दिया एकदम। एक सेकंड के लिए ना मेरे को झटका लगा। फ्लो में चला रहा था, होश में आ गया एकदम में। अरे बारिश चालू हो गया, बारिश चालू हो गया, बारिश चालू हो गया, अरे बारिश चालू हो गया। बताओ, मैं इतना जल्दी जल्दी करके रेन कोट पहना, अपने बैग को ढका, सब किया, और जैसे ही मैं पहन लिया पूरा, पानी एकदम ही कम हो गया। अभी एकदम गिर रहा है, मतलब नहीं के बराबर गिर रहा है, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी वाला गिर रहा है। खैर चलो ठीक है यार, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। अच्छा इसी बहाने सब पैक हो गया, गलती से कहीं पानी गिर भी गया तो मेरे को हड़बड़ी तो नहीं होगा कम से कम। थोड़ी सी बारिश में ना अब क्या दिक्कत हो रहा है मालूम, हल्का हल्का कांच में पानी पड़ रहा है, उस पानी की वजह से सामने आने वाली लाइट्स का ग्लेयर हो रहा है, और ये रियर व्यू मिरर से लाइट पड़ के अलग पड़ रही है पीछे की गाड़ियों की, सब तरफ से रोशनी रोशनी, अंधेरे में रोशनी, वाह। बैंगलोर यहाँ से रह गया 420 किलोमीटर, मैंने अभी पढ़ा है, एक पत्थर पे लिखा हुआ था, पत्थर लौटा दो। अरे जो हल्की हल्की बारिश है ना, अब ये थोड़ा थोड़ा मेहनत बढ़ा रहा है,
बारिश ऐसे तो बहुत हल्का हल्का हो रहा है, अगर आप वैसे बाइक रोकोगे तो समझ में आएगा बहुत हल्का बारिश है। अब क्या हो रहा है, हेलमेट में पानी पड़ रहा है, साथ में डस्ट भी है, तो ये जो सामने लाल लाल लाइट है ना बहुत ज़्यादा चमक रहा है, फिर हाईवे पे ऊपर से सामने से भी लाइट पड़ रहा है। एक काम करते हैं, अब वाइज़र खोल के ही चलाते हैं और अपना वो पीला वाला चश्मा पहन लेते हैं। यार सही बताऊँ, राइट वाले हाथ में ना थोड़ा दर्द है यार। आधा वाइजर खोले रखने से क्या फायदा है ना, पानी भी रुक जाएगा जो ऊपर से पड़ रहा है टेढ़ा टेढ़ा, और आंख में डायरेक्ट हवा नहीं लगेगा, तो अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बस यही दिखाकर मैं आपको बताने वाला था कि 11:30 बज गया और मैं कॉफ़ी पीने रुका हूँ, इतने में इसका बैटरी हो गया ख़त्म। अब क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा हूँ, इसके दोनों बैटरी डेड हो चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे, जब पी चुका हूँ कॉफ़ी, 2 मिनट में निकलेंगे तब फिर इसको चार्ज में लगाएंगे, बस इतना ही बताना। यार अंकल लाइट क्यों बंद कर दिया होटल का, इधर हम व्लॉग बना रहे ले हैं, इधर अंकल ने लाइट बंद कर दी। चाय नहीं मिला यहाँ, कॉफ़ी मिला, थोड़ा ना वो एक चेंज भी हो मिल गया। चाय पी पी के भी एक होता है ना कि चाय का असर ख़त्म हो जाता है, कभी कभी मेरे साथ होता है, तो अच्छा हुआ कॉफ़ी मिल गया। जूता यार एकदम ना गीला हो गया अंदर से, मोजा भी गीला हो गया बारिश की वजह से। अब यही है कि सुखाने का कोई तरीका ही नहीं है, गाड़ी चलते रहेगी, जितना हवा अंदर जाएगा जाएगा, उतना उसमें जितना सूखना होगा सूख जाएगा। और अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर रह गया है बैंगलोर, बता रहा है सुबह का 5:30 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते, 5:30 को 6 कर लो, 6 बजे तक अपन पहुँच जाएंगे। एक चीज़ देख के अच्छा लग रहा है, पेट्रोल पम्प रास्ते में दिख रहे हैं और वहाँ गाड़ियाँ हैं, मतलब चालू है पेट्रोल पम्प, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़े देर और गाड़ी चला लेता हूँ 1/2 घंटे के आसपास और फिर पेट्रोल डला लूँगा। 1/2 घंटे में थोड़ा और भी मेरा जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब मैं फुल टैंक करा लूँगा तो फिर मेरे को बैंगलोर तक डलाने का सोचना ही नहीं पड़ेगा, फिर मैं बैंगलोर बड़े आराम से पहुँच जाऊँगा। क्या ये वाले में मिलेगा, लाइट तो चालू है, कोई है इधर? है यार, बेचारे सो रहे थे, बताओ उनका नींद ही खराब कर दिया मैं। गूगल पे हो जाएगा, ठीक है 1 मिनट, फुल टैंक। चलो पेट्रोल मिल गया भैया, अब हमको बैंगलोर पहुंचते तक और कल सुबह बैंगलोर से निकल के शहर क्रॉस करते तक पेट्रोल के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वो तो अच्छा भैया, नेशनल हाईवे 44 है, मेन हाईवे है, तो यहाँ पे पेट्रोल पम्प रात में मिल ही जाते हैं। जहाँ पे स्टेट हाईवेज वगैरह से आना जाना अगर आप करेंगे तो कई बार तो पेट्रोल पम्प भी दूर दूर तक नहीं दिखता है। हाँ वैसे भी क्योंकि ये मेन हाईवे है इसलिए भी मैं यहाँ पे रात में चलाने का हिम्मत कर ले रहा हूँ, वरना मैं भी नहीं आता ऐसे रात में। राइड अपडेट, अभी हो रहा है 1:45, हमने कवर कर लिया 453 किलोमीटर। मेरे को लगता है यहाँ से अराउंड 210-215 किलोमीटर और रह गया होगा। एक काम करते हैं, 2 बजे तक चलाते हैं, 15 मिनट और चलाते हैं, उसके बाद फिर लेंगे एक चाय या कॉफ़ी ब्रेक। हो सकता है कि या तो मैं सेलम क्रॉस कर रहा हूँ या थोड़ी देर में सेलम पहुँच जाऊँगा, पता नहीं, जैसा पता चलेगा आपको बताऊँगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पिछले वाले क्लिप के बाद हुआ ये कि हेलमेट वाला गोप्रो बंद हो गया। मैं भी सोचा जब कोई चाय का स्टॉल मिल जाएगा वहाँ रोकूंगा तब बता दूंगा। और इस वाले गोप्रो की बैटरी भी तब से चार्ज में लगाया था, अभी तक ये 18% पे ही है, ये भी कब तक टिकेगा उसका भी आइडिया नहीं है। बस ऐसा 10 मिनट के ब्रेक के लिए रुके हैं, पानी पी लेते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं। चलो भैया चाय पी लिए, एक ब्रेड खा लिए, थोड़ा पेट में कुछ चला भी गया, बढ़िया है, चाय पी के नींद खुल गया, बढ़ते आगे। अभी यहाँ से रह गया है कुछ 180 किलोमीटर, क्योंकि अभी हाईवे पर ही चलाना है तो अभी भी इसलिए मैप नहीं लगाया हूँ, जैसे बैंगलोर सिटी पास आ जाएगा फिर मैं मैप लगा दूँगा। अब 180 किलोमीटर जो रह गया है ना उसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पार्ट में डिवाइड करने का, अब 2 घंटे का स्ट्रेच नहीं लेंगे, अब सोच रहा हूँ मैं अब लेंगे 1-1 घंटे का। देखो बैंगलोर यहाँ से 180 किलोमीटर, हाईवे बढ़िया ही चल रहा है तो 1 घंटे में अच्छा खासा कवर हो भी जाएगा।
अच्छा वैसे मैं सोच रहा था यार, ये जो मेरे व्लॉग्स हैं जिनमें मैं रात में गाड़ी चला रहा हूँ, नाइट राइड कर रहा हूँ, ये आप लोग एक बार कमेंट में बताना ज़रूर कि कैसा लग रहा है देखने में। मतलब ऑब्वियसली जैसा दिन का राइड रहता है वैसा तो नहीं दिखेगा, बट आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे नाइट राइड वाले व्लॉग्स। यार यहाँ काफ़ी सारे ट्रक्स ना एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, और मज़ेदार बात ये एकदम ज़िगज़ैग पैटर्न में धीरे धीरे जा रहे हैं। एक राइट वाले लेन पे धीरे जा रहा है, एक लेफ्ट वाले लेन पे धीरे जा रहा है। ये देखो ये धीरे जा रहा है, ये इसको ओवरटेक कर रहा है, वो इसको ओवरटेक कर रहा है, और एक्चुअली समझ आ नहीं रहा कि धीरे कौन जा रहा है। अब सेंटर वाले लेन में जो ट्रक है वो धीरे जा रहा है, और ये बस वाला भी ना कन्फ्यूज़ है किसको ओवरटेक करूँ, कौन जा रहा है जो धीरे है अभी। भाई तेरा कार भले ही मॉडिफाइड होगा लेकिन तू बहुत बेवकूफ़ है। ऑल्टो वाले भैया जी एकदम डिवाइडर में घुसने वाले थे, अभी बस वाला अचानक से मोड़ लिया था राइट साइड। एक तो मेरे को समझ नहीं आता है जो स्लीपर बस वाले होते हैं, इनको बिना इंडिकेशन दिए, हॉर्न दिए या पास लाइट दिए इनसे ओवरटेक कर ही कह सकते हो, तो कोई भरोसा नहीं भाई। कहीं भी मोड़ लेते हैं इन लोग, जहाँ जगह मिला वहाँ फट से मोड़ लेते हैं। ओवरटेकिंग का प्रक्रिया अभी भी चल ही रहा है। होसूर पहुंच गए, क्योंकि यार बैंगलोर होसूर के बीच में खाली 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, 40-45 का, और होटल मेरा यहाँ से रह गया 39 किलोमीटर। हाँ अपन होसूर पहुंच गए, करेक्ट, एक बोर्ड में दिख गया मेरे को। ठंडा लग रहा है यार, ठंडा लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे बैंगलोर में बारिश हुआ है। चलो हमको दिख गया एक बोर्ड जहाँ लिखा था बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट पुलिस। इसका मतलब ये है कि हम बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो भैया, बधाई हो, बेंगलोर पहुंच गए अपन। यहाँ से हमारा होटल रह गया सिर्फ 25 किलोमीटर, ओनली 25 किलोमीटर्स टू गो। हल्का हल्का सा सुबह हो रहा है, अब आपको वीडियो में देख के समझ भी आ रहा होगा, थोड़ी रोशनी आ गई है। तो हमारा जो राइड था वो सनसेट के टाइम पर शुरू हुआ था और सनराइज के टाइम पर ख़त्म होने वाला है। वाह, एकदम उल्टा कर दिया हमने। वाह यार, पूरा ही सुबह हो गया, लेकिन बादल है यार काफ़ी इधर भी। अरे देखो अब तो गूगल मैप भी बोल दिया कि सुबह हो गया भैया, अब स्क्रीन काला नहीं रह गया। बस ये बता दो मेरा होटल कहाँ है ताकि मैं जाके सो जाऊँ। सुबह के 6 बजे इतना ट्रैफिक, यार इसी ट्रैफिक से बचने के लिए तो मैं थोड़ा लेट निकलना सही समझा। मैं जब हैदराबाद से ऊटी जा रहा था ना, तब मैंने बैंगलोर में स्टॉप लिया था, तब मैं सेम इसी डॉर्मेट्री में रुका हुआ था। अच्छा है आसपास ना काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स वगैरह हैं, मस्त है। अब देखो यार ये है डॉर्मेट्री, अब अगर यहाँ कोई सो रहा होगा रूम में तो व्लॉग में वहाँ एंड नहीं कर पाऊँगा, है ना। अगर समझ लो व्लॉग इसके बाद एंड हो गया तो समझ जान अंदर कोई सो रहा था, नहीं तो फिर अंदर अपन बातचीत कंटिन्यू कर ही सकते हैं। ये पहुँच गए भैया, पहुँच गए।